हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा पिल्लो कवर बनाने का एक आसान सा तरीका। यहाँ पे जो हमने पिल्लो कवर बनाया है, इसमें हमने यहाँ पे चीन वाला काम किया है, मतलब बाहर की साइड एक्स्ट्रा में जो बॉर्डर लगता है वो लगाया है और इसके कॉर्नर बताए हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आइए सीखते हैं इस पिल्लो कवर को बनाने का तरीका। दोस्तों, जो आपने पिल्लो कवर का डिज़ाइन देखा है, उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो पीस लिए हुए हैं इस तरीके से, एक नीचे की साइड और एक हमारा यहाँ पे ये ऊपर की साइड। इसमें हमने जिप लगाई हुई है यहाँ पे, और एक हमने यहाँ पे डिज़ाइन के लिए बाहर की साइड जो चेन बोलते हैं जिसको, वो पीस लिया हुआ है यहाँ पे। ये पट्टी है हमारी 3 इंच चौड़ाई वाली, ये हमने डबल फोल्ड की हुई है इस तरीके से होगी, और इसको हमने प्रेस से अच्छे से सेट किया हुआ है। तो चारों साइड में मैं ये वाली चेन लगाऊंगा। तो इसको सीखते हैं कैसे हम कॉर्नर बनाते हैं और कैसे पिल्लो कवर तैयार किया जाता है। एक एक पॉइंट पे मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास ये दो पीस हैं, इनमें हमें एक पीस पे निशान लगा लेना है यहाँ पे, और इसका साइज देख लेना है। तो यहाँ पे हमने 15.5 इंच का साइज हमने तैयार रखना है, 15.5 का। तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं चौड़ाई का, 15.5 का, आधा आधा इंच का हमारा दोनों साइड में यहाँ पे मार्जिन आएगा। और इस तरीके से हम देखेंगे, ये हमारा 26 इंच है, तो हमने यहाँ पे 25 इंच तक तैयार रखना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से 25 इंच का निशान लगा लेंगे और इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं। चारों साइड ऐसे ही हम निशान कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये निशान हमने लगा लिया है। अब हम मशीन पे चलेंगे और सबसे पहले चारों साइड ये चेन लगानी सीखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम मशीन पे आ चुके हैं। जब भी हम यहाँ पे चेन लगाते हैं तो आपने ध्यान रखना है, इस तरीके से ऐसे पट्टी को रखना होता है और इस साइड में एक्स्ट्रा निकाल लेना है, और यहाँ से हम सिलाई की करेंगे शुरुआत ऐसे। थोड़े पहले ही इसको हम यहाँ पे रोक लेते हैं और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए यहाँ पे काट देंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए ये तो आ जाता है हमारा मार्जिन इतना, इसके बाद यहाँ तक हमारा टाका आएगा, इस पॉइंट पे यहाँ तक हमारा टाका आएगा। तो इस पे हम यहाँ पे ऐसे इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद अब हमें बनानी है यहाँ पे नोक। तो नोक कैसे बनेगी, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इस तरीके से हम इस पॉइंट पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे, ये हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमारा टाका आएगा और फोल्ड करने के बाद ये देखिए, इसी निशान पे हमने फोल्ड किया है, और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए ऐसे कटिंग करेंगे, ये हमारा सिलाई का मार्जिन होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमें इसको कर लेना है ओपन ऐसे, ऐसे ओपन करते हैं और यहाँ पे दूसरी साइड की पट्टी रखते हैं। ये देखिए, दूसरी साइड की हमने यहाँ पे पट्टी रख ली है और यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और अब लगाएंगे यहाँ पे सिलाई। आपने यहाँ पे भी ध्यान देना है, जो हमारा इतना मार्जिन है यहाँ पे, तो यहीं से हमें शुरुआत करनी होती है और दूसरी साइड यहीं पे हमें पूरा करना होता है सिलाई का, ये ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे पूरी सीधी सिलाई लगा देंगे नीचे तक तो वो ठीक नहीं रहेगा, ऐसे यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे करेंगे पक्का। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे कट कर देंगे और यहाँ पे धागे कटिंग कर लेंगे अपने। तो अब हमें इसे पलटना होता है, तो पलटने के लिए सबसे पहले हम इसकी सिलाई चीर लेते हैं, ऐसे चीर लेंगे। ये छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, दूसरी साइड से भी चीरेंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी अगर हम इस पर ध्यान दे लेते हैं ऐसे। यहाँ पे
चीर लेते हैं। चीरने के बाद अब हम इसको पलटेंगे, यहाँ पे इस तरीके से पलट लेते हैं और यहाँ पे निकाल लेंगे नोक। ये देखिए, ये हमने नोक निकाल ली है तो हमारा जो कॉर्नर है वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे आएगा, कितना प्यारा सा यहाँ पे आया है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब जैसे हमने ये चीरा था, यहाँ पे ये सिलाई चीरी थी, तो ऐसे आ जाएगी दोनों चीरी हुई हमारी सिलाई। और यहाँ पे इसको मिलाते हुए इस तरीके से थोड़ा नज़दीक से देखेंगे, यहाँ पे हमारी जो सिलाई आएगी यहाँ पे आएगी, ये देखिए। और अब हम इसको इस साइड में ऐसे पलटेंगे, ऐसे पलटते हुए फिर से सिलाई लेकर के जाएंगे आगे। यहाँ पे मैं कॉर्नर दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे हमारी शेप आएगी। तो ऐसे बनाया जाता है कॉर्नर, जिसको चीन का कॉर्नर बोलते हैं। यहाँ पे इसको चीन बोला जाता है, कोई बॉर्डर भी बोलते हैं, चीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लगती है। तो देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे हमारा ये कॉर्नर बन करके तैयार हुआ है। तो बाकी दोस्तों हम यहाँ पे तीन कॉर्नर और रह जाते हैं। देखिए, ये भी ऐसे ही बनेगा और ये भी ऐसे ही बनेगा, फिर मैं आपको लास्ट वाला बना करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे तीन कॉर्नर हमने तैयार कर लिए हैं, एक दो और तीन। यहाँ पे एक कॉर्नर मैंने तैयार करके आपको दिखाया था, तो अब लास्ट की बात रह जाती है। तो लास्ट में आपको यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाना है। देखिए, जितना भी हमारा यहाँ पे ये मार्जिन लेना होता है उतना हम यहाँ पे इसको ऐसे सेट करते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा इधर का ये वाला मार्जिन आएगा, तो यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल सीधा यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे, और जो ये निशान होता है इससे हम एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे ही हमने इस साइड में करना है, यहाँ पे भी हमें जितना भी मार्जिन है उतना निशान लगा लेना है ऐसे। और इसके बाद यहाँ पे फोल्ड करना है इस तरीके से, ये सिलाई हमारी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे बिल्कुल सीधा फोल्ड करेंगे और ये निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इस पर हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, दोनों कॉर्नर हमारे कट चुके हैं। अब इनको हम आपस में मिला लेते हैं, तरीका वैसे ही रहेगा सेम, इस तरीके से आपस में मिलाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। के बाद यहाँ पे इसको भी हम पलट लेंगे, तो ये सीधा हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये नोक निकलवा देंगे। अब हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए, चारों कॉर्नर हमारे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें इसका दूसरा पीस लेना है, क्योंकि हमने ये पिल्लो तैयार करना है, पिल्लो कवर। तो दूसरा पीस लेंगे जो कि हमारा नीचे वाला होता है। तो इस पीस को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, इसमें हमने जिप पहले से ऑलरेडी लगा रखी है यहाँ पे इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे।
तो ये देखिए हमने दूसरा पीस यहाँ पे अटैच कर लिया है पूरा। अब हम इसको यहाँ पे जिप को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसको हम पलट लेंगे। यहाँ पे नोक निकालनी है और पलट लेना है, तो इस तरीके की हमारी यहाँ पे ये चेन आ जाएगी। ये देखिए ऐसे, तो चारों कॉर्नर से हम यहाँ पे इसको पलट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पिल्लो अंदर डाल लिया है और आप कवर देख रहे होंगे कितना प्यारी सी शेप आई है। चारों साइड में हमने इस तरीके की जिसको चीन बोलते हैं इस तरीके से तैयार की है और बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा यहाँ पे डिजाइन आपको बना करके दिखाया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।